सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांश गुप्ता हेयर। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंगो सेशंस के बारे में, और जेंगो सेशंस एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है जेंगो का। जिसके बारे में बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है नेट पर और बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। कोई भी उसके बारे में ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता है कि आप उसे कैसे इफिशियंटली और एक इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस में। तो ये वीडियो जो होने वाली है, ये पूरी बेस होने वाली है जेंगो सेशंस के ऊपर, और इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपके सारे के सारे टेस्ट केसेस, सिनेरियोस सारे के सारे कवर हो जाएं, और फिर आपको ताकि कहीं और देखना ना पड़ जाए। तो इस वीडियो में मैं पूरा सब कुछ ध्यान रखूंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा जो भी मैंने अभी तक सीखा है। और जेंगो अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी या मॉड्यूल प्रोवाइड करती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता ही है। तो अगर आपको उसने जेंगो सेशंस की मॉड्यूल प्रोवाइड करी है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा रीजन तो होगा ही। तो अगर आपको एक बार समझ आ जाए कि जेंगो सेशंस क्या है और वो कैसे काम कर रहा है, तो आप उसे एक बहुत ही इफेक्टिव वे में अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, और जिससे कि आपके बहुत सारे यूज केसेस हैंडल हो जाएंगे। मतलब वो बहुत सारी चीजें आपके काम को आसान कर देगा। और जो भी चैनल पर नया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी मास्टरिंग जेंगो के नाम से एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 17 वीडियोस डल चुकी हैं और ये 18 वीडियो होने वाली है। और उसमें मैं ऐसे कंटेंट ला रहा हूं जिसपे बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पर। मैं सारा का सारा टेस्ट केसेस और सारे के सारे सिनेरियोस कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, उसका यूजर नेम है pianchu.underscore gupta। और मैं वहां पर डेली कंटेंट अपलोड करता हूँ रिगार्डिंग रोड मैप्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और बेस्ट 5 टूल्स या फिर टॉप 5 बैकएंड फ्रेमवर्क्स। और हमारे यहाँ पॉल्स भी चल रही है, जिसमें मैं कंपेयर करता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, आपको जरूर कुछ जानने को मिलेगा नया। तो फिर अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेंगो सेशंस आखिर क्या चीज है। तो बेसिकली जेंगो सेशंस जो होते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो लॉग इन बेस्ड सेशन या फिर नॉन लॉग इन बेस्ड सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लॉग इन बेस्ड सेशंस के बारे में। तो सपोज करो कि आपने एक वेबसाइट नहीं है जेंगो की, और उसमें एक यूजर है, वो आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी वेबसाइट खोलता है, और आप तो उस यूजर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो अभी, क्योंकि उसने ना तो अभी लॉग इन किया है, ना साइन अप किया है, ना कुछ किया है अभी, अपनी मतलब कुछ भी डिटेल्स उसने आपको प्रोवाइड नहीं करी है। तो अगर आपको उसे एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना है उसके इंट्रैक्शन के हिसाब से, तो आप वो कैसे प्रोवाइड करा सकते हो? यानी कि अगर यूजर आपका लॉगिन नहीं है, उसने आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं दी है, फिर भी आप उसको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना चाहते हो, तो आप करा सकते हो वो थ्रू सेशंस, यानी कि नॉन लॉगिन बेस्ड सेशंस के थ्रू। अब जैसे ही यूजर जो है आपका कोई व्यू है जो खोलता है, आप किसी एंड पॉइंट पर जाता है, तो आपने वहां पर एक सेशंस मॉड्यूल का यूज किया हुआ है। तो जैसे ही आप सेशन मॉड्यूल का यूज करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर वेबसाइट, तो क्या होगा कि जो यूजर है उसके ब्राउजर की कुकीज सेक्शन में एक कुकी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सेशन आईडी। और बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही वो इंटरेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट से, आप उससे कोई सा भी डाटा आप ले सकते हो, और उस सेशन आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेबल होगी जिसमें आप वो सारा डाटा जो है स्टोर करा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। मतलब यूजर ने अभी लॉगिन भी नहीं किया है, फिर भी आप उससे एक इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब एक टू वे एक इंटरेक्शन हो रहा है, और आप स्टोर करा रहे हो उसकी डिटेल्स, ताकि आप उसको एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सको। और फिर आती है भाई लॉगिन बेस्ड सेशन की। अब क्या हुआ कि यूजर ने आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर किया और उसके बाद उसने लॉगिन किया। अब जैसे उस यूजर ने लॉगिन किया आपकी वेबसाइट पर, तो आपने क्या किया कि उस नॉन लॉगिन बेस्ड सेशन को कन्वर्ट कर दिया इनटू लॉगिन बेस्ड सेशन, और फिर जो डाटा था आपका पहले वही आपने बस कंटिन्यू किया, और फिर आपने फिर जो यूजर ने बाद में इंटरेक्शन किया आपकी वेबसाइट पर, फिर आपने क्या किया कि उस यूजर की जो प्राइमरी की है, जो यूजर की प्राइमरी की है जिससे उसे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसे क्या किया आपने उसकी सेशन आईडी के साथ एलोकेट कर दिया, ताकि आप बाद में ये आइडेंटिफाई कर सको कि ये सेशन आईडी है, ये उस यूजर की पर्टिकुलर है, और फिर आप कोई सा भी डाटा इनपुट के फॉर्म में ले सकते हो थ्रू दैट यूजर, और फिर आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस सेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसे प्लेस कर सकते हो वहां पर, और फिर उस यूजर को एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए आप उस सेशन का इस्तेमाल कर सकते हो इवन आफ्टर लॉगिन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या बात कर रहा हूँ जेंगो सेशंस की। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। मैंने यहाँ पर अपना सर्वर जो है स्टार्ट करके रखा है, हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पर, और यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट खोल दी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर गया अपनी वेबसाइट पर, सिंपल सा यहाँ पर मैं अपने एंड पॉइंट पर गया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर कोई भी सेशन आईडी अभी स्टोर नहीं कराई है मैंने, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी सेशन आईडी अभी स्टोर नहीं है, ठीक है। और लेकिन मैंने यहाँ पर एक और एंड पॉइंट क्रिएट करके रखा है यहाँ पर, जो कि है टेस्ट सेशंस के नाम से। पर जैसे ही मैंने टेस्ट सेशंस यहाँ पर किया, तो यहाँ पर एक सेशन आईडी स्टोर हो गई है,
और अभी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने यहाँ पर यूजर का लॉग इन नहीं कराया है, ठीक है। मैं आपको फिर से कर देता हूँ यहाँ पर, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अकाउंट पर जाकर कर देता हूँ लॉग आउट। और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर देखिए सेशन आईडी कुछ भी नहीं है, पर जैसे ही मैं गया यहाँ पर सेशन टेस्ट सेशंस पर, तो यहाँ पर एक सेशन आईडी शो हो चुकी है। अभी यूजर जो है लॉग इन नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक सेशन आईडी है जिसकी वैल्यू ये है। तो मैंने क्या किया है इस व्यू के अंदर वो मैं दिखाता हूँ आपको। आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख के रखा है आपके लिए ताकि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने एक व्यू बनाया है, ये बेसिकली एक फंक्शन बेस्ड व्यू है, और उसके अंदर मैंने क्या किया है कि एक रिक्वेस्ट डॉट सेशन मॉड्यूल का यूज किया है। यानी कि हमारी जो रिक्वेस्ट होता है ना हमारा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक सेशन नाम का भी एक एट्रीब्यूट स्टोर होती है। और उसके अंदर हमने क्या किया है कि सेशन के अंदर हमने एक टेस्ट नाम से एक एट्रीब्यूट के नाम पे एक हमने वैल्यू स्टोर करा दी टेस्टिंग की, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो स्टोर, या फिर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि हेलो, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कुछ भी, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रियांशु, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर टेस्ट यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर टेस्ट रहने देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं टेस्ट कर दूं, तो यहाँ पर अगर हम इसे रिफ्रेश करें, यहाँ पर अगर हमसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए प्रियांशु लिखा है इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग, जो कि हमने यहाँ पर स्टोर कराई थी। और इसकी जो मैंने यहाँ पर टेम्पलेट रेंडर कराई है वो है सेशन टेस्टिंग डॉट एचटीएमएल फाइल, यानी कि ये वाली फाइल सेशन टेस्टिंग डॉट एचटीएमएल फाइल। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि इसके अंदर मैंने एक टैग यूज किया है, इफ यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड तब यूजर का नेम प्रिंट हो यहाँ पर जो यूजर है वो तो अभी लॉग इन है ही नहीं, अभी हमने लॉग इन कराया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर उसका नेम जो है प्रिंट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ प्रियांशु, वरना आपको ये ना लगे कि यहाँ पर नेम प्रिंट हो रहा है यूजर का। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश कराते हैं तो यहाँ पर अभी टेस्टिंग प्रिंट हो रहा है, पर यहाँ पर अभी हमने लॉग इन नहीं कराया है। और साथ में हमने यहाँ पर जो टेम्पलेट है हमारी सेशन टेस्टिंग की, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड करी है जो कि प्रिंट करा रहा है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट टेस्ट, यानी कि सेशन के अंदर जो टेस्ट एट्रीब्यूट है कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारी वैल्यू है वो हम वहां पर प्रिंट करा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये सेशन होता है, ये जो बैकएंड में डाटा स्टोर होता है, एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसमें एक हमारा कॉलम होता है सेशन आईडी का, और सेशन आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉलम होता है जो कि होता है सेशन डाटा का। अब उस सेशन डाटा के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो हमारा एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर होता है, एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में। और वो डिक्शनरी को कैसे सीरियलाइज करते हैं, तो वो उसको सीरियलाइज करने के दो तरीके होते हैं, तो जेसन बेस्ड सीरियलाइजर या फिर पिकल बेस्ड सीरियलाइजर। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमारा डाटा जो है स्टोर हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो टेस्ट है वो है की, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है टेस्टिंग। यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हो एड, जैसे कि मैं यहाँ पर एड करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट सेशन, यहाँ पर मैं करता हूँ सेकेंड वैल्यू टेस्ट टू, और यहाँ पर इक्वल्स टू टेस्टिंग टू, यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूं मैं। मतलब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर ये जो व्यू है हम कॉल करेंगे, तो उसके जो सेशन मॉड्यूल है, मतलब जो ये सेशन आईडी है जो कि यहाँ पर स्टोर हो चुकी है, यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेशन का जो मॉड्यूल है वो यूज किया है इस व्यू के अंदर, तो यहाँ पर एक सेशन आईडी जो है कुकीज के अंदर फिट हो जाएगी। और इस सेशन आईडी कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन डाटा के अंदर दो कीज होंगी टेस्ट और टेस्ट टू, और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो होंगी टेस्टिंग और टेस्टिंग टू। अब अगर आपको इसे डिस्प्ले कराना है फ्रंट एंड में, तो आप वो कैसे कराओगे, तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर एक और टैग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डालोगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट टेस्ट टू, और यहाँ पर मैं कंट्रोल सेव करूंगा, और यहाँ पर मैं इसे डिस्प्ले करूंगा। तो यहाँ पर देखिए टेस्टिंग और टेस्टिंग टू दोनों प्रिंट हो चुके हैं। तो बेसिकली अभी हमारा जो यूजर है वो लॉग इन नहीं है, और आप सोच रहे होंगे कि ये डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो ये सेशन डाटा होता है वो हमारा डाटा बेस में स्टोर होता है, जो जेंगो ने हमें बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ होता है। वो जेंगो ने क्या किया हुआ है कि सेशन डाटा को वो बेसिकली डाटाबेस में स्टोर कराता है, यानी कि डाटाबेस में एक सेशन नाम का एक ऐप होता है, और सेशन के अंदर एक टेबल होती है सेशन नाम की। अब उस सेशन टेबल के अंदर वो सारी चीजें स्टोर कराता है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो हमारी एडमिन साइट है admin.py साइट है, उसके अंदर क्या करेंगे हम कि अभी यहाँ पर इसको भी कर देते हैं कमेंट, जो मैंने जो भी एक्स्ट्रा कोड एड किया है सबको कर देता हूँ मैं कमेंट यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक इसे भी कर देते हैं कमेंट। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि फ्रॉम django.contrib.session.models इम्पोर्ट सेशन किया है, ये वाला मॉड्यूल को मैंने यहाँ पर इस वाले ऐप को मैंने करा लिया है इम्पोर्ट, यहाँ पर सेशंस को मैंने इम्पोर्ट कराया, उसके जो मॉडल्स है उसकी जो मॉडल्स फाइल है उसके अंदर से मैंने मॉडल जो उठाया है वो है सेशन। अब आपको अगर कोई भी एडमिन साइट में
कोई भी मॉडल का डिस्प्ले कराना होता है, कोई भी टेबल आपको शो करानी होती है, तो उसको आपको पहले करना पड़ता है रजिस्टर। तो हम वही करते हैं यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर सेशन, कंट्रोल सेव दबाता हूँ। और यहाँ पर अगर हम जाएंगे एडमिन साइट पे जिसमें मैंने लॉगिन करके रखा है पहले से प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट एट द रेट जीमेल डॉट कॉम से, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर पहले तो लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर, वो पूछ रहा है तो, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी रिस्टार्ट किया था सर्वर को अपने। और यहाँ पर अगर होम पे जाएंगे और यहाँ पर सेशन खोलेंगे तो यहाँ पर देख के ही कुछ आईडीज हैं, मैं क्या करता हूँ कि सारी की सारी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे सारी सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं बिल्कुल एकदम स्टार्ट से दिखा सकूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी अभी, तो जैसे ही मैंने ये यहाँ पे सारे के सारे सेशन जो है डिलीट करे, तभी की तभी मैं यहाँ पर जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन से हो गया लॉग आउट, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरी जो लॉगिन वाली डिटेल्स थी सारी की सारी वो बेसिकली सेशन के अंदर स्टोर थी। और जैसे ही मैंने लॉग आउट किया, मतलब जैसे ही मैंने वो क्लियर करी, तो मेरी जो स्टोरेज थी, जो मेरी लॉगिन की सारी डिटेल्स थी, वो सारी डिलीट हो गई। तो वो मुझे जो जेंगो है वो मुझे इंटरप्रेट नहीं कर पाया कि मैं लॉगिन हूं या नहीं। तो आपको ये चीज यहां से समझ आ गई होगी ये चीज। तो यहां पर हम करते हैं प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट और लॉगिन। तो देखिए यहां पर आपको कुछ सेशन आईडी दिख रही है, और ये जो सेशन डाटा है ये भी बेसिकली डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, लेकिन जेंगो क्या होता है कि एक साइनिंग एल्गोरिथम यूज करता है, ताकि वो डाटा को कन्वर्ट कर देता है इनटू एनक्रिप्टेड फॉर्म। तो यहाँ पर एनक्रिप्टेड साइनिंग रहेगा, बट क्योंकि बेसिकली ये एनक्रिप्शन नहीं कर रहा है जेंगो, यहाँ पर बेसिकली वो कर रहा है साइनिंग। तो साइनिंग और एनक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर एक हमारी सेशन की एट्रीब्यूट है और हमारा है सेशन डाटा, और एक है एक्सपायर डेट, यानी कि एक्सपायरी उस सेशन डाटा की जो ये सेशन की है ये कब एक्सपायर होगी। तो इसके अंदर ये सारा सारा डाटा स्टोर है। अब आपको अगर सेशन डाटा को डिस्प्ले कराना है, अब बेसिकली ये साइनिंग एल्गोरिथम यूज करता है, अगर आपको यहाँ पर अगर आप चाहती हो कि ये अनसाइंड वे में यहाँ पर डाटा जो है शो हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसका करना पड़ेगा मॉडल एडमिन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप करोगे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एडमिन डॉट मॉडल एडमिन क्या है, तो मैंने इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना के रखी है एडमिन डॉट मॉडल एडमिन के ऊपर, जिसमें मैंने एडमिन को पूरा का पूरा कस्टमाइज किया था, आप जाके मेरे चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो इसकी एट्रीब्यूट्स हैं उसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराया है यहाँ पर, और पी प्रिंट एक मॉड्यूल है हमारी पी प्रिंट, उसको यूज किया है यहाँ पर, जिससे कि मुझे क्या होगा कि जो भी डाटा स्टोर है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, थोड़ा बहुत, सब कुछ नहीं दिखेगा तो थोड़ा बहुत हमें दिख जाएगा वहां पर। यहाँ पे कंट्रोल सेव दबाएंगे और इसे हम यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर सेशंस को, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसे, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कमेंट करके जो ये वाला एडमिन है उसको मॉडल के साथ में हमें करना पड़ेगा रजिस्टर। और यहाँ पर अगर हमसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेशन डाटा जो है एट्रीब्यूट हमारी वो शो हो रही है, और उसके अंदर कुछ डाटा हमें दिख रहा है, यानी कि auth user backend django dot contrib dot auth dot backend dot model admin, और यहाँ पर auth user hash, यहाँ पर हमारा auth user hash दिख रहा है हमें, और यहाँ पे आप उसे corresponding एक auth user id दिख रही है, यानी कि जिस यूजर का ये सेशन है उसकी आईडी मिल रही है, क्योंकि ये जो सेशन है जो अभी स्टोर हुआ है ये बेसिकली एक लॉग इन बेस्ड सेशन है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर django एडमिनिस्ट्रेशन पे लॉग इन किया था तो उसका एक सेशन का एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक ऑथ यूजर आईडी है जो कि मेरी उस यूजर की है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लॉग इन किया है प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट से, और उसकी जो यूजर आईडी है वो 1 थी, और यहाँ पर वो स्टोर हो चुका है सेशन डाटा के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और जिसपे हमने लॉग इन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उसको करता हूँ रिफ्रेश, और देखिए यहाँ पर अभी सेशन आईडी है ये कुछ। अब जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सेशन आईडी चेंज हो जाएगी इसकी, और चेंज होकर ये हो चुकी है ये वाली। अब ये वाली जो की है जैसे ही हम यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो डाटाबेस में हमारी एक एंट्री हो चुकी होगी, और जो एंट्री हुई होगी वो हुई होगी नॉन लॉगिंग बेस्ड सेशन की। अब मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा रो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सही चीज हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ऑथ यूजर आईडी नाम की एट्रीब्यूट नहीं है, ऑथ यूजर आईडी हमारी सेशन डाटा के अंदर नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा यूजर जो है लॉग इन नहीं है। बेसिकली उसने क्या किया है कि एक सेशन आईडी बनाई है जो कि रैंडमली वो जनरेट करता है हमारा जेंगो, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने यहाँ पर सेशन डाटा को यहाँ पर बिठा दिया है, और उसने क्या किया है डिक्शनरी के फॉर्मेट में, देखिए आप यहाँ पर टेस्ट है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है टेस्टिंग, और टेस्ट टू जो कि हमारी दूसरी की है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है टेस्टिंग टू। तो देखा आपने कि कैसे हमारा जेंगो सेशन काम कर रहा है।
और साथ ही साथ उसने यहाँ पर एक एक्सपायरी भी सेट कर दी है, यानी कि ये जो कुकी है वो हमारी कब एक्सपायर होगी। अब आप ये जो सेशंस की एट्रीब्यूट है जो कि सेशन में यहाँ पर स्टोर हुआ है, या किसी भी व्यू के अंदर किसी भी टेम्पलेट में ये डाटा जो स्टोर हो रखा है हमारा इस व्यू के मदद से, वो आप कहीं पर भी शो करा सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि जो इंडेक्स फाइल है मेरी, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, उसके अंदर भी डाटा शो हो ये वाला, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक टैग करता हूं H1, और यहां पर मैं करता हूं रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट टेस्ट, और यहां पर कंट्रोल सेव करता हूं टैग को क्लोज करके, और यहां पर मैं जाता हूं तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। और ये इसलिए प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सपायरी सेट करी हुई थी अपनी व्यूज के अंदर, एक एक्सपायरी सेट करी हुई थी इसकी, कि जैसे ही हम इसे खोलें यानी कि एक ही सेकंड में इसने हमारी कुकी को कर दिया एक्सपायर। तो अगर एक्सपायर हो गई हमारी वैल्यू, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर अभी बेसिकली यहाँ पर हम जेंगो का डाटाबेस यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग जेंगो सेशंस। तो बेसिकली जैसे ही वो हमारी कुकी जो जैसे ही हमारी ये जो सेशन आईडी होती है, ये जैसे ही एक्सपायर होती है, तो उसकी जो रो होती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती है, वो हमें खुद से मैन्युअली करनी पड़ेगी, या फिर आपको एक क्रॉन जॉब डालनी पड़ेगी जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर चलेगी। अब यहाँ पर वैसे उस पर फोकस नहीं करते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं अभी यहाँ पर उस पर उसी उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं आगे उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वो एक्सपायर हो चुकी है हमारी कुकी, पर डाटाबेस टेबल में से वो जो सेशन आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग जो डाटा हमारा स्टोर हो रखा है, ये जो रो है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक्सपायर हो गई है, तो उसका मतलब कि जो तो अगर हम उसको यूज करेंगे इन बैक एंड या फिर हम उसे फ्रंट एंड में डिस्प्ले कराएंगे, तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा जेंगो, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है। यहाँ कर दिया कमेंट मैंने इसको, ताकि जो कुकी है वो तुरंत 1 सेकंड बाद एक्सपायर ना हो, और वो एक्सपायर हो कुछ डिफॉल्ट डेज के बाद जो कि जेंगो ने ऑलरेडी पहले ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और यहां पर मैं जाऊंगा अगर से दोबारा से यहां पर मैं खोलूंगा टेस्ट सेशन, ताकि उसके एक सेशन आईडी हमारी दोबारा से नई बने, और उस कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन डाटा के अंदर हमारी टेस्ट और टेस्ट टू नाम की की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर मैं दोबारा जाता हूँ उस एंड पॉइंट पर टेस्ट सेशन के ऊपर, और देखिए यहाँ पर सेशन आईडी हमारी चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर एक एंट्री एक नई नई आ जाएगी हमारी। देखिए एक नई एंट्री आ चुकी है यहाँ पर SYAE करके, और यहाँ पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन डाटा जो है वो यहाँ पर ऐसा स्टोर हो चुका है इस फॉर्मेट में, जो कि है अनसाइंड वर्जन ऑफ डिक्शनरी। अगर आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेशन डाटा इसकी फॉर्मेट में, क्योंकि हमने यहाँ पर पी प्रिंट नाम के एक मॉड्यूल यूज करी थी, और हमने यहाँ पर क्या किया था बेसिकली इस एडमिन डॉट पीवाई के अंदर हमने यहाँ पर उसके मॉड्यूल एडमिन को किया था इनहेरिट, और उसके अंदर हमने लिस्ट डिस्प्ले कराई थी सेशन की, सेशन डाटा एक्सपायर की, और यहाँ पर हमने पी प्रिंट नाम की एक लाइब्रेरी यूज करके उसको किया था डिकोडेड। तो यहाँ पर हम सेशन में जाएंगे, और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि जाऊंगा इसके बेसिक से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में, और देखिए यहाँ पर टेस्टिंग नाम से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप इसे किसी भी अगर एक बार सेशन के अंदर स्टोर हो गया और वो एक्सपायर नहीं हुई है सेशन आईडी, तो आप उसे कहीं पर भी अपने किसी भी व्यू के अंदर किसी के भी टेम्पलेट के अंदर उसे डिस्प्ले करा सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि यूजर ने अगर आपकी वेबसाइट पर लॉग इन नहीं किया है, फिर भी आप उसको एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर अब लॉग इन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी आईडी जो है ऑथ यूजर आईडी वो स्टोर नहीं हुई है डाटा के अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि लॉग इन करते हैं इस वेबसाइट पर। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि दूसरी ईमेल आईडी से लॉग इन करता हूँ, जिससे मैंने यहाँ इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, a@gmail.com, और इसका पासवर्ड मैंने रखा था 1234 और लॉग इन, और यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। और अब देखिए यहाँ पर टेस्टिंग अभी भी प्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ पर टेस्टिंग जो है अभी भी प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमारे नॉन लॉग इन सेशन के बाद जैसे हमने लॉग इन किया तो हमारी जो सेशन आईडी है, देखते हैं वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर जाकर हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज हुई है। क्या हुआ है कि हमारा जो नॉन लॉग इन बेस्ड सेशन है वो कन्वर्ट हो चुका है इंटू लॉग इन बेस्ड सेशन, यानी कि जो सेशन आईडी हमारी यानी कि जो सेशन आईडी हमारी पहले थी और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा था हमारा, वो डाटा सेम रहा है, पर हमारी सेशन की जो है वो चेंज हो चुकी है, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाटा था वो सेम रहा, पर साथ ही साथ जो डाटा एक्स्ट्रा होता है लॉग इन करने के बाद वो भी उसी के अंदर एड हो चुका है, यानी कि वही सेशन हमारा कन्वर्ट हो चुका है इंटू लॉग इन बेस्ड सेशन। इससे बेसिकली क्या होगा, क्या एडवांटेज मिलेगी आपको कि यूजर जो है उसको एक तरह से अगर वो उसने लॉग इन नहीं किया हुआ है तो उसको उसने कुछ डिस्प्ले करा रहे हो आप डाटा, ठीक है। अब जैसे ही वो लॉग इन करेगा ताकि उसको सारे जो सारा का सारा डाटा है वो गायब ना हो जाए, तो उस डाटा को ही आप क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो थ्रू दिस, मतलब जेंगो ने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा है सब कुछ,
कि यानी कि नॉन लॉग इन बेस्ड सेशन को कन्वर्ट कर दिया उसने इनटू लॉग इन बेस्ड सेशन। तो ये बहुत ही सही चीज है यार, आप इसको यूज कर सकते हो बहुत जगह, और इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है। जैसे कि सपोज करो आप एक कार्ड सिस्टम बना रहे हो, है ना, आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई और एक कार्ड सिस्टम बना रहे हो आप, तो आपने अगर यूजर ने आपके यूजर ने लॉग इन नहीं किया है, फिर भी आप उसके कार्ट में कुछ डिटेल्स स्टोर कराओगे, और फिर जैसे ही वो लॉग इन करेगा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग तो आप उसे लॉग इन कर दोगे, तो सारे का सारा जो डाटा स्टोर है हमारे सेशन के अंदर वो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली आफ्टर लॉग इन, है ना, और फिर आप उसे डाटा बेस में एंट्री कर सकते हो आप बाय टेकिंग डाटा फ्रॉम सेशंस। और उसका सेकेंड एप्लीकेशन है इन ओटीपी सिस्टम रजिस्ट्रेशन की। सपोज करो कि आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो एक यूजर का और उसका जो फोन नंबर है उसको आपको वेरीफाई कराना है, तो आप उस यूजर को उस जैसे ही वो अपना फोन नंबर डालेगा तो उसको आप एक ओटीपी प्रोवाइड करोगे जो कि उसके फोन पे आ जाएगा, तो उसका ओटीपी आप कहां पे स्टोर कराओगे, या तो डाटाबेस में कराओगे या फिर सेकेंड ऑप्शन है सेशन के अंदर, तो उसके अंदर आप स्टोर करा दो उस सेशन के अंदर स्टोर करा दो ओटीपी की वैल्यू को, और जब वो ओटीपी वहां पर वो भरेगा उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि उसका फोन नंबर स्टोर करा दो सेशन के अंदर ताकि आप बाद में उसको कर सको वेरीगेट। खैर अभी आप उस पर फोकस नहीं करते हैं ओटीपी सिस्टम पर, क्योंकि मैं इसके बाद वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि ओटीपी सिस्टम यूज करूंगा फॉर वेरीफाइंग द यूजर्स फोन नंबर, और मैं उसे लॉगिन में भी और रजिस्ट्रेशन में भी दोनों में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसलिए मैं उससे पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे जेंगो सेशंस के बारे में। तो हम यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे कन्वर्ट हो गया हमारा नॉन लॉगिन बेस्ड सेशन इनटू लॉगिन बेस्ड सेशन। अब हम आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर मैंने एक आपके लिए डायग्राम बना के रखा है जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली जेंगो का जो सेशन है वो आप कितने वेज से इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो उसके चार वेज हैं, या तो डाटाबेस से जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि जेंगो का जो डिफॉल्ट सिस्टम है वो डाटाबेस सिस्टम यूज करता है फॉर इंप्लीमेंटिंग जेंगो सेशंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारी जेंगो सेशंस जो की कुकीज जो होती हैं जब वो एक्सपायर हो जाती हैं और हम अगर यूज कर रहे होते हैं डाटाबेस फॉर स्टोरिंग जेंगो सेशंस, तो हमारी जो रूल्स बनती हैं फॉर स्टोरिंग सेशंस तो वो रूल्स ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती हैं। आपको क्या करना पड़ता है, एक मैनुअली खुद से कमांड लिखना पड़ता है पाइथन मैनेज और पी वाई क्लियर सेशंस, और जैसे ही आप वो कमांड करते हो एग्जीक्यूट, तो आपको क्या क्या होता है कि सारे के सारी जो एक्सपायर्ड कुकीज होती हैं वो जाती हैं डिलीट फ्रॉम डाटाबेस। तो या तो आपको ये खुद से मैनुअली करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो कि एक क्रॉन जॉब लगाओ, यानी कि जेंगो स्लेरी का यूज करके आप एक शेड्यूल टास्क को शेड्यूल करो एट अ पर्टिकुलर टाइम जो कि हर रोज रन होगा आपकी वेबसाइट पर, कि और वो कमांड को एग्जीक्यूट करेगा पाइथन मैनेज और पी वाई क्लियर सेशंस, ताकि जो भी आपका कुकीज हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं वो डिलीट हो जाए और आपका डाटाबेस जो है फालतू में भरे ना। और जेंगो स्लेरी के लिए भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लेके बताओ कि आपको वो चाहिए कि नहीं। सेकंड वे जो है वो है कुकी बेस्ड, थर्ड है फाइल बेस्ड, और फोर्थ है कैश बेस्ड। और कैश बेस्ड में भी आप कैश को डिफरेंट वे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कुकी बेस्ड सेशन के बारे में, ठीक है, कि कैसे आप जेंगो सेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग कुकी। मतलब जैसे कि डाटा जो है हमारा कुकी तो हमारी तभी भी यूज हो रही थी फॉर स्टोरिंग सेशन आईडी सेशन की, पर अब हम क्या करेंगे कि जो डाटा है वो भी हम वहीं पर स्टोर कराएंगे, यानी कि कुकी के साथ हम वहीं पर स्टोर कराएंगे, यानी कि यूजर के ब्राउजर के अंदर ही स्टोर कराएंगे। जो सारा का सारा डाटा है सेशन डाटा है वो हम कुकी के साथ में ही सब कुछ स्टोर कराएंगे, और मैं आपको वो चीज इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ अब। तो यहां पर मैंने अपना वीएस कोड खोल लिया है, अब इसके अंदर सेटिंग्स और पीवाई के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर हम यहां पर जो ये कैशेज है इसको कर देते हैं अभी कमेंट, क्योंकि अभी हम कैश यूज नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा अब कि जो ये हमारा सेशन इंजन है, या सेशन इंजन इक्वल्स टू जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट सेशन डॉट बैकेंड्स डॉट साइन कुकीज, अब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और जब हम ये यूज कर रहे होंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सेशंस की, पर अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है, उसके बाद मैं आपको हटाकर भी दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, और यहाँ पर अभी हमने लॉग इन करा हुआ है, ठीक है, हमने लॉग इन किया हुआ है यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको कहेगा लॉग इन करने के लिए, क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो ये सेशन का इंजन है वो चेंज कर दिया, यानी कि हमने डाटा बेस चेंज कर दिया है टू साइन कुकीज, तो आपको यहाँ पर फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन करते हैं यहाँ पर फिर से, लॉग इन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा अगर, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी असर नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे कोई भी एंट्री या रो
यहाँ पर एड नहीं हुई है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर फिर से लॉग इन करेंगे या फिर रिफ्रेश करेंगे इसको, तो देखिए सेशन आई डी तो यहाँ पर स्टोर्ड है पर इसका भी कुछ काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सेशन आईडी भी पुरानी वाली है जो कि स्टोर्ड है, इसका भी कुछ भी यूज नहीं होगा। पर अगर आप जाओगे यहाँ पर इसके टेस्ट सेशंस पर, तो हमारी सेशन आईडी जो है वो चेंज जाएगी और जो डाटा है अब आपको दिख रही होगी सेशन आईडी में, आपको कुछ चेंज दिख रहा होगा कि जो इसकी लेंथ है सेशन आईडी की, सेशन की वो चेंज हो चुकी है, कुछ बड़ा हो चुका है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डाटा है जो डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा था बैकएंड में डाटाबेस के अंदर, वो अब यहीं पर स्टोर हो रहा है पीसी के अंदर, और वो साइंड है इसलिए आपको यहाँ पर वो एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है कि वो क्या डाटा है। और अगर आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, लॉगिन क्लिक करता हूँ यहाँ पर प्रियांशु दूसरी वाली मेल आई से लॉगिन करता हूँ यहाँ पर @gmail.com से, पासवर्ड है 1234, लॉगिन करते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो सेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम नॉन लॉगिन बेस्ड टू लॉगिन बेस्ड, और यहाँ पर सेशन आईडी चेंज हो जाएगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा जो है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और जो डाटा हमारा पहले डरा हुआ था यानी कि टेस्ट और टेस्ट टू का, वो यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि यहाँ पर स्टोर है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसकी एक लिमिट होती है कि कितना डाटा आप यहाँ पर स्टोर करा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये कुकी है ब्राउजर में स्टोर करा रहे हो तो इसकी एक लिमिट होती है। अब हम क्या करेंगे कि जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पर हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और इसके अंदर हम जाते हैं कुकी बेस सेशन के अंदर, यानी कि ये वाला कुकी बेस सेशन, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसकी लिमिट है 4096 बाइट्स पर कुकी। ठीक है, ये लिमिट है कि इतना ही डाटा आप स्टोर कर सकते हो इन कुकी बेस सेशन। लेकिन कुकी बेस जेंगो सेशन के अंदर एक दिक्कत आती है, जो सारा डाटा है यूजर का वो उसके ब्राउजर के अंदर स्टोर हो रहा है, बैकएंड में कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है। तो इसमें इससे क्या होगा कि अगर जो डाटा स्टोर हो रहा है उसके ब्राउजर के अंदर वो साइन हुआ है यानी कि कन्वर्ट हुआ है इनटू कोडेड फॉर्मेट यूजिंग जेंगो की सिक्योरिटी की। अगर आप जाओगे जेंगो की सेटिंग्स और PyFile के अंदर, तो उसके अंदर एक सिक्योरिटी की होती है जो की लिखी होती है यहाँ पर सीक्रेट की। अब बेसिकली जो की उसमें साइनिंग हुआ है वो इस की को यूज करके हुआ है, इस की मदद से उस डाटा को जो डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है उसे कन्वर्ट किया गया है इनटू दिस कोडेड फॉर्मेट जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इस फॉर्मेट में, है ना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसमें ये बेसिकली की हुई है फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू कोडेड फॉर्मेट। तो अगर ये जो डाटा है उसके साथ साथ, क्योंकि डाटा जो है वो यूजर के ब्राउजर में स्टोर हो रहा है, तो बेसिकली बहुत सारे अटैक्स होते हैं, बहुत सारे मेलिशियस अटैक्स होते हैं बाय हैकर्स कि वो आपके डाटा में जो कुकीज में डाटा स्टोर होता है उसके ऊपर वो एक्सेस पा लेते हैं। तो अगर ये जो सीक्रेट की है आपकी जेंगो की, अगर वो लीक हो गई तो बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं आपकी वेबसाइट पर। और इसमें एक और बात बताई है जेंगो ने कि अगर आपने पिकल सीरियलाइजर यूज किया है फॉर डाटा स्टोरेज, और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको कि जेंगो के सेशन डाटा के अंदर अगर आपको डाटा स्टोर कराना है, तो जो जेंगो का सेशन डाटा है वो आप दो तरीके से स्टोर करा सकते हो, या तो यूजिंग जेसॉन सीरियलाइजर या फिर पिकल सीरियलाइजर। अब जो बाय डिफॉल्ट है वो जेसॉन सीरियलाइजर यूज होता है, पर अगर आपने पिकल सीरियलाइजर यूज किया है तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर सीक्रेट की का एक्सेस मिल गया हैकर को, तो वो आपके वेबसाइट पर बहुत सारे अटैक्स कर सकता है, मतलब वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए जो कुकी बेस्ड जेंगो सेशन होता है वो इतना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सही नहीं रहता है, तो आपको सीक्रेट की का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। और साथ में से बताया कुछ मैक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड से वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है, तो आपको अगर जानना है इसके बारे में, अगर आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है सब कुछ, आपको इंटरेस्ट है इस साइनिंग वगैरह में और आपको क्रिप्टोग्राफी वगैरह में, तो आप इस चीज को पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर वार्निंग लिखी है। तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं और एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम जाएंगे यहाँ पर टेस्ट सेशन में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टेस्टिंग और टेस्टिंग टू जो कि हमारा डाटा यहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको प्रिंट हुआ हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम जाएंगे इंडेक्स फाइल पर, तो यहाँ पर आपको हेडिंग में टेस्टिंग दिख रहा है जो कि हमने सेशंस में स्टोर कराया है, और सेशन आईडी हमारी ये वाली है जो ये है शुरू में, और बाद में डाटा भी स्टोर्ड है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग फाइल बेस्ड सेशन। अब फाइल बेस्ड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सेशन इंजन में इसको कर लेते हैं कमेंट, और साथ ही साथ अगर आप इसको कमेंट कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब ये यूज हो ही नहीं रहा है, अब हम डाटाबेस का यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको कर देते हैं कमेंट। पर अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर admin.py के अंदर हमने यहाँ पर कुछ इंपोर्ट वगैरह कराया हुआ था, फिर वो एरर देगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो
फाइल वाला सिस्टम है उससे कर लेते हैं अनकमेंट। तो अब हम यूज कर रहे हैं फाइल बैकएंड सिस्टम फॉर स्टोरिंग जेंगो सेशंस। और हमें एक और चीज बतानी पड़ेगी इसके अंदर, जो कि होगी सेशन फाइल पाथ, यानी कि किसके अंदर आप जो सारी फाइल्स हैं, सेशन की फाइल्स हैं, वो आप किसके अंदर स्टोर कराओगे। तो मैंने वो मेंशन करा है, हमारा जो फोल्डर है मास्टर जेंगो का, उसके अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम स्टोर कराएंगे। अब यहां पर से कंट्रोल सेव करते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। यहां पर अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और यहां पर देखिए अभी यहां पर टेस्टिंग कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि और साथ ही साथ हमारी सेशन आईडी जो है वो भी यहां से हट चुकी है। अब यहां पर अगर हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते हैं यूजिंग a@gmail.com और यहां 1234 और यहां करते हैं लॉगिन, तो देखिए यहां पर सेशन आईडी आ चुकी है और ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ चुकी है जो कि उस टाइम पर आ रही थी जब हम डाटाबेस यूज कर रहे थे फॉर स्टोरिंग सेशन डाटा। अभी जब यहां पर आ चुका है, अब अगर हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, तो देखिए यहां पर एक फाइल बन चुकी है, हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बन चुकी है ऑफ द सेशन आईडी जो कि यहां पर स्टोर्ड है ना, QLIJZ। तो ये इस फॉर्मेट में यहां पर स्टोर हो चुका है। अगर हम इसे ओपन विद नोटपैड करेंगे, तो देखिए यहां पर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है सारा का सारा, यानी कि जेंगो सेशन का डाटा जो स्टोर है वो सब कुछ इसके अंदर होएगा, इस फाइल के अंदर। तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं यहां से। और अगर मैं यहां पर यहां से इसे रिफ्रेश करता हूं यहां पे और दोबारा इस वाली वेबसाइट पे लॉगिन करता हूं थ्रू प्रियांशु गुप्ता contact@gmail.com पे और लॉगिन करता हूं यहां पर, तो यहां पर देखिए ये तो बिल्कुल सेम रहेगा जो कि पहले था, पर यहां पर देखिए एक और फाइल बन चुकी है, यानी कि जो दूसरा यूजर है उसकी अलग से फाइल बन चुकी है सेशन की, जो कि है ये वाली जो ऊपर आई है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फाइल बैकएंड सिस्टम है फॉर स्टोरिंग जेंगो सेशन वो इस तरह से काम करता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू कैश। अब कैश में क्या होता है कि आपको सबसे पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कैशिंग सिस्टम। अब जेंगो के अंदर कैशिंग डालने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज कर सकते हो, या तो आप मीम कैश यूज कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं कि हम वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करते हैं कि किसका क्या काम है। वैसे हम इंप्लीमेंट करके कुछ ही देखेंगे, क्योंकि मैं क्या करूंगा कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जेंगो कैशिंग के ऊपर, जिसमें मैं सब कुछ इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। और वो वीडियो बेसिकली बेस्ड होगी यूजिंग मीम कैश या फिर रेडिस, जिसे मैं यूज करके मैं कैशिंग इंप्लीमेंट करूंगा जेंगो के अंदर। अब बेसिकली कैशिंग क्या होता है कि आपको बार बार डाटाबेस में जो है क्वेरी नहीं करनी पड़ेगी। अब डाटाबेस जो क्वेरीज होती हैं कि आपको सपोज करो एक यूजर को फाइंड करना है, अब डाटाबेस टेबल्स के अंदर बहुत सारा डाटा होता है। अब आपको अगर उस स्पेसिफिक यूजर को फाइंड करना है डाटाबेस में बार बार ही, तो बहुत सारा कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। अब उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, एक कैशिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करोगे अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे क्या होगा कि जो रीसेंट डाटा होगा वो हमारी कैश में स्टोर हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि अगर कोई यूजर जो है फिर से कोई रिक्वेस्ट करता है, और वो सबसे पहले चेक करेगा कि सबसे पहले कैश में चेक करेगा कि वो डाटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो डाटा कैश के अंदर अवेलेबल हुआ तो डायरेक्टली वो आपको वहीं से एंटर करके आपको शो कर देगा। पर अगर वो बाई चांस कैश के अंदर नहीं है, फिर वो जाकर डाटाबेस में क्वेरी करेगा। इससे क्या होगा बेसिकली कि हमारी जो क्वेरीज हैं डाटाबेस में वो कम हो जाएंगी और उससे कॉस्ट जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये फंक्शन होता है कैश का। आप कैश को इंप्लीमेंट कर सकते हो आप यूजिंग मेम कैश, डाटाबेस, फाइल बेस्ड सिस्टम, लोकल मेमोरी, डमी कैश, कस्टम, मल्टीपल कैशेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेम कैश कैसे काम करता है। अब हम क्या करते हैं कि जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं कैश फ्रेमवर्क की, जिसमें उसने सब कुछ बताया हमें कैसे कि सब करता है काम। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बात मेम कैश की। अब मेम कैश में क्या होता है कि आपको बेसिकली मेम कैश जो है आपको इंस्टॉल करनी पड़ता है पहले आपको, और एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है जो कि होती है पाइथन मेम कैश या फिर पाइलिब एमसी। तो आप दोनों में से कोई सी भी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो फॉर बाइंडिंग पाइथन टू मेम कैश। और फिर जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट से, फिर आप उसको इस फॉर्मेट में settings.py फाइल के अंदर आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी और अपने और लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी कौन से पोर्ट पर आपके जो मेम कैश सर्वर है वो स्टार्टेड हो रखा है। अब बेसिकली क्या होगा फिर कि कैश कि आपका जो सेशन है और साथ साथ जब आप ये इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो सेशन इंजन है आपको यहां से इसको कमेंट करके करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, और आप ये जब कर दोगे तो जो हमने यहां पर कैश सेट करी भी होगी अपनी settings.py फाइल के अंदर थ्रू दिस कैशेस, तो वो इसके अंदर सारा सेशन डाटा स्टोर होगा।
और मेमकैश का एक और फायदा है कि सपोज करो कि आपके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि आपके अलग अलग सर्वर पर चल रहे हैं, यानी कि सपोज करो कि आपने कैश सिस्टम एक सर्वर पर डाल दी और आपने एक और इंस्टेंस बनाया है कैशिंग सिस्टम मेमकैश यूज करके ऑन अ डिफरेंट सर्वर डिफरेंट आईपी एड्रेस, तो आपको अगर वो दोनों कैशिंग सिस्टम यूज करने हैं इन सिंगल जेंगो प्रोजेक्ट, तो आप क्या करो कि लोकेशन में उन दोनों के आईपी एड्रेस डाल दो, तो बेसिकली क्या होएगा कि वो दोनों कैश सिस्टम आप काम करेंगे, मतलब अगर सपोज करो कि एक कैश भर गई तो दूसरे कैश में सामान डालेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडवांटेज मिलती है मैम कैश के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है मैम कैश में कि जो आपके सिस्टम की रैम होती है वो उसका थोड़ा सा पार्ट जितना स्पेसिफाई करते हो वो आपको, वो क्या होता है कि बेसिकली मैम कैश को मिल जाता है और वो उस रैम के अंदर अपना सारा डाटा कैशिंग का फॉर्म में स्टोर कराता है। पर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कि सिस्टम होता है कैशिंग सिस्टम होता है फॉर स्टोरिंग जेंगो सेशंस, ये आप चाहे कोई सा भी मेथड यूज कर लो इसके अंदर, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो मेमकैश जो डाटाबेस हो फाइल बेस हो या कोई सा भी हो, इसमें एक दिक्कत आती है कि सपोज करो कि हमारी कैश जो है उसका डाटा भर गया, तो क्या होगा कि अगर बाई चांस उस यूजर की जिसने लॉग इन किया है उसका सेशन डाटा जो है वो अगर बाई चांस उसकी जो कुकी है वो एक्सपायर नहीं भी हुई है, फिर भी क्या होगा कि अगर कैश भर गई हमारी तो वो डाटा अपने आप रिमूव हो जाती है। तो बेसिकली ये जो है इतना कैशिंग सिस्टम जो होता है जेंगो सेशंस के लिए इतना रिलायबल नहीं है, मतलब इस पे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि वो काम हमेशा ही करेगा। ये भी हो सकता है कि वो जो यूजर ने लॉग इन किया हुआ है और उसका बाई चांस कुकी जो है वो एक्सपायर नहीं भी हुई है, फिर भी वो उसको कर दे लॉग आउट, तो ये दिक्कत आती है कैश बेस्ड सिस्टम में। पर इस चीज को रिमूव करने के लिए जेंगो ने आपको एक बहुत ही अच्छी चीज प्रोवाइड करी है जो कि होती है ये चीज। अगर मैं सेशन इंजन में अगर मैं कर दूं कैश डीबी, तो बेसिकली क्या होगा, तो कैश डीबी यूज करने का ये फायदा होता है कि आपने सपोज करो कि कोई भी यूजर ने लॉग इन किया और उसका डाटा स्टोर हो गया कैश के अंदर, तो जैसे ही वो कैश के अंदर एंट्री होगी तो तभी की तभी जो हमने यहाँ पर सेशन टेबल थी ना जो हमारी ऑलरेडी यूज कर रहे थे हम उसके अंदर, जो कि था हमारा ये वाला डिफॉल्ट सिस्टम जो कि हम यूज कर रहे थे जेंगो के अंदर, जो कि था इसके थ्रू जेंगो डॉट कंट्री डॉट सेशंस, हम ये चीज भी डालनी पड़ेगी इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर, और जब हम ये चीज डाल देंगे तो हमारी जो एंट्री होगी वो दोनों जगह होगी, कैश के अंदर भी होगी और साथ ही साथ इसके अंदर भी होगी। हमारे सेशंस जो हमारी टेबल है सेशंस मॉडल के अंदर, जो सेशन ऐप के अंदर जो सेशन मॉडल है हमारा उसके अंदर भी एंट्री होगी साथ साथ, और जैसे ही हम क्वेरी करेंगे मतलब लॉग इन नहीं कोई भी व्यू एक्सेस करेगा जिसमें लॉग इन होने की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले कैश में चेक करेगा और कैश में अगर उसका डाटा नहीं है फिर वो चेक करेगा डाटाबेस के अंदर। तो इससे एडवांटेज ये मिलती है कि आपको परसिस्टेंट कैश डाटा मिलता है। तो बेसिकली कैश डीबी जो है ये भी फास्ट होता है, कैश भी फास्ट होता है, पर इसमें कैश डीबी हल्का सा स्लो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका डाटा अवेलेबल नहीं होगा कैश के अंदर, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बहुत फास्ट हैं, दोनों अच्छे से काम करते हैं। पर अगर आप ये चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपका यूजर का डाटा कुछ केसेस में जब कैश फुल हो जाए या फिर आप कैश को रिफ्रेश करो तो यूजर का जो लॉग इन डाटा है वो सारा हट जाए, अगर आपको वो चीज एक्सेप्ट है तो फिर आप डायरेक्टली कैश सिस्टम भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, फिर आपको कैश डीबी यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको ये मैम कैश का इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस जो है जेंगो सेशन के ऊपर है, जेंगो कैशिंग के ऊपर नहीं है, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसकी कैशिंग के ऊपर। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं डाटाबेस पर। अब डाटाबेस से अगर आप कैशिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो भी दो तरीके हैं उसमें, सिंगल डाटाबेस और मल्टीपल डाटाबेस। अभी हम फोकस करते हैं सिंगल डाटाबेस पे, मल्टीपल डाटाबेस के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको कैशिंग इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ यूजिंग सिंगल डाटाबेस, क्योंकि अभी हमने अपने जेंगो प्रोजेक्ट को केवल एक डाटाबेस से लिंक करा हुआ है जो कि है हमारा एसक्यूएलआईट डाटाबेस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, जो कि था हमारा कैशिंग सिस्टम, नहीं इसको तो हमें अनकमेंट करना है, और साथ में यहाँ पर कैशिंग को कर देता हूँ अनकमेंट जो कि हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करी है। अब मैंने क्या किया कि बैकएंड में डाल दिया है मैंने डीबी डॉट डाटाबेस कैश, क्योंकि मैं यहाँ पर कैशिंग यूज कर रहा हूँ डाटाबेस कैश की, और यहाँ पर मैं लोकेशन मेंशन करी है, यानी कि मैंने एक टेबल क्रिएट करी है, मतलब क्रिएट नहीं करी है, यहाँ पर मैंने एक नाम दिया है एक टेबल का जो कि नाम होगा मेरा एक कैश टेबल का। अब बेसिकली क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर कंट्रोल सी दबाकर मुझे कमांड देना पड़ेगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट कैश टेबल। अब बेसिकली क्या होगा कि जो ये हमारा कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट कैश टेबल, इससे जो ये माई कैश टेबल जो हमने नाम लिखा है यहाँ पर, इस नाम से हमारा डाटाबेस में एक टेबल बन जाएगी जिसके अंदर सारा का सारा कैश डाटा हमारा स्टोर होगा, और फिर जब वो स्टोर हो जाए फिर जब वो टेबल बन जाएगी वहां पर, तो हमारा जो ये सेशन इंजन है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कैश
वो इस वाले कैश में सारे का सारा डाटा जो है सेशन का वो स्टोर कराएगा। तो यहाँ पर अगर से हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, तो हमारी टेबल बन जाएगी वहां पर, और हम इसको चीज को अब इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब हमारा क्या हो रहा है कि जो कैश है वो हमारे डाटाबेस के अंदर है, टेबल जो है, और हमने यहाँ पर सेशन इंजन मेंशन कर लिया कैश का। अब हम जाएंगे अगर सर्वर पे अपने, और यहां पर टेस्ट सेशन करेंगे, तो यहां पर अभी हमारा यूजर जो है लॉगिन नहीं हुआ हुआ है, तो उसकी सेशन आईडी यहां पर हो चुकी है ये वाली स्टोर। और यहां पर अगर हम जाएंगे अपने एडमिन पैनल पर और यहां पर लॉगिन करेंगे फिर से, तो यहां पर आप देख सकते हो कि सेशन टेबल के अंदर कुछ भी चीज ऐड नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा डाटा जो है स्टोर हो रहा है इन जेंगो कैश टेबल। अब कैश टेबल को यहां पर हम शो नहीं करा सकते, अब उसका कोई तरीका होगा पर अभी मुझे नहीं पता है वो। तो यहां पर अभी वो कैश टेबल यहां पर शो नहीं हो रही है, तो वो बेसिकली डाटाबेस में स्टोर हो रहा है लेकिन डाटा हमारा, और सेशन डाटा जो है हमारा सारा का सारा उसके अंदर जा रहा है। और अगर आप कोई यूज करना है कैश डीबी, मतलब आप चाहते हो कि जो डाटा है हमारा कैश के साथ साथ डाटाबेस के सेशन की जो हमारी टेबल है उसके अंदर भी स्टोर हो, ताकि अगर कैश के अंदर हमारी एंट्रीज नहीं है तो डाटाबेस के जो सेशन की टेबल है उसके अंदर क्वेरी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कैश डीबी यूज करना पड़ेगा। उससे बेसिकली क्या होगा कि आपको एक परसिस्टेंट कैश मिलेगी। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे, तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉग इन किया और यहाँ पर हम टेस्ट सेशंस पे जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम जाएंगे सेशंस पर तो आपको देखो एक और एंट्री मिल चुकी है यहाँ पर। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूंगा फिर से, तो यहाँ पे फाइव है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सपायर नहीं करी है कोई की को। अगर मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ फिर से, तो आपकी यहाँ पर एक जो रो है, जो अभी यहाँ पे आईडी है हमारी सेशन आईडी, जो कि है 0i5s, ये है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्टोर्ड है, ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये अभी नॉन लॉग इन बेस सेशन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लॉग इन बेस सेशन। यहाँ पर अगर मैं लॉग इन करता हूँ 1 2 3 4 लॉग इन, तो सेशन आईडी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी जो कि है यहाँ पर 19k, और देखिए यहाँ पर ये भी आ चुकी है और कोई एंट्री हमारी एक्स्ट्रा नहीं पड़ी है, हमारा बेसिकली कन्वर्जन हुआ है फ्रॉम नॉन लॉगिन बेस्ड सेशन इनटू लॉगिन बेस्ड सेशन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कैश डीबी और कैश भी देखना सीख लिया कि कैसे काम कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ इस मल्टीपल डाटाबेस की। अब सपोज करो कि हमारे जो जेंगो प्रोजेक्ट है उसमें आपने मल्टीपल डाटाबेस यूज किए हैं। अब मल्टीपल डाटाबेस का इंप्लीमेंटेशन भी मैं आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल डाटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो अपने जेंगो प्रोजेक्ट के साथ, और कैसे उसके फीचर्स होते हैं, क्या एप्लीकेशन होती है, क्या एडवांटेजेस होती हैं उसकी, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम इस पर फोकस नहीं करते हैं, अभी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि वो कैसे काम करेगा। अब सपोज करो कि आप मल्टीपल डाटाबेस हैं, अब कैश को पता कैसे चलेगा कि कौन सा डाटाबेस यूज करना है फॉर स्टोरिंग कैश टेबल। तो वो क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है वहां पर, तो वो क्या करेगा कि कैश टेबल बनाएगा इन डिफॉल्ट डाटाबेस, क्योंकि आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि डिफॉल्ट डाटाबेस कौन सा है आपका, सेकेंडरी डाटाबेस कौन सा है आपका, और बचे हुए डाटाबेस कौन से है आपके। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपका डिफॉल्ट डाटाबेस जो है वो उठा लेगा, और उसके अंदर जो क्रिएट कैश टेबल कमांड है हमने यूज करा है, उस जैसी कमांड को रन करेंगे तो हमारी जो कैश टेबल है वो सारे डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी, और सारा का सारा कैशिंग डाटा जो सेशन हमने एलोकेट किया है वो सारा का सारा उस टेबल के अंदर स्टोर होगा। पर सपोज करो कि आपने यहाँ पर एक चीज करी जो कि है ये। अब डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया गया कि अगर आपने मल्टीपल डाटाबेस यूज करे हैं तो आपको यहाँ पर एक कैश राउटर बताना पड़ेगा। अब इसके क्या होगा कैश राउटर में कि एक आपकी होगी कैश प्राइमरी और बाकी होगी कैश रेप्लिका, क्योंकि प्राइमरी कैश आपकी एक ही रहेगी, और आपको क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि कब आप रीड कर रहे हो, तो कौन सी क्वेरी, कौन से हमारे कैश में क्वेरी हो, और अगर आप राइट कर रहे हो तो आपके कौन से कैश में क्वेरी हो। तो अगर आप कैश के अंदर राइट कर रहे हो, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका कैश प्राइमरी में परफॉर्म होएगा वो क्वेरी, और अगर आप रीड कर रहे हो तो आपका वो कैश रेप्लिका में होगी क्वेरी। तो वो चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करिए यूजिंग कैश राउटर। और जैसे ही आप ये बनाओगे ना, कैश राउटर का इस्तेमाल करोगे, यानी कि मल्टीपल डाटाबेस यूज कर रहे हो अगर आप, और यहाँ पे कैश राउटर का इस्तेमाल करोगे, तो बेसिकली क्या होगा कि एक और टेबल बन जाएगी जो कि ये बनेगी उसके अंदर, जिसके उस डाटाबेस के अंदर जो कि होगी कैश प्राइमरी की हमारी। तो बेसिकली क्या होगा कि उसके अंदर एक और टेबल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा
कैश एंट्री, उस टेबल का नाम होगा कैश एंट्री। बेसिकली वो मैनेज करेगा सारी इन कैशेस को कि इस कैश इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली कैश है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली कैश है, तो उसके अंदर सारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी कि ये कैश अवेलेबल है हमारी और कब। और आप जब ये कैश राउटर को मेंशन कर दोगे यहाँ पर, तो वो मैनेज करेगा आपका कि कौन, जब आप राइटिंग क्वेरी कर रहे हो तो कौन सी कैश में क्वेरी हो, जब आप रीड कर रहे हो तो वो कौन सी कैश में क्वेरी हो, तो उस चीज का हैंडल यहाँ पर होगा वो कैश राउटर। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, अब हम जाते हैं इस वाले पर, यानी कि फाइल बेस्ड कैश सिस्टम पर। अब आप फाइल बेस्ड कैश सिस्टम को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस। आपको ये चीज करनी पड़ेगी और वैसे आपको मेंशन करना पड़ेगा फाइल का पाथ, और फिर वहां पर उस फाइल के अंदर सारी की सारी कैशिंग आपकी स्टोर होगी, और फिर आप सेशन का इस्तेमाल करके आप उसे, आपको यहाँ पर कैश ही देना है, यहाँ पर कैश है कैश डीबी, और फिर आपका सारा का सारा डाटा जो होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। फिर है आपका लोकल मेमोरी, मतलब डायरेक्टली आप बिना कोई मैम कैश या फिर आप रेडिस बिना कुछ यूज करे, आप डायरेक्टली क्या करोगे कि आपका कंप्यूटर की जो लोकल मेमोरी है, यानी कि जो आपकी सिस्टम की लोकल मेमोरी है, आप उसके ऊपर एलोकेट कर दोगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैशेस के अंदर आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी बैकएंड के अंदर। तो मैं आपको करके दिखाता हूं ये चीज। यहां पर इसको रिमूव करके हम क्या करते हैं कि लोकल मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे कैशिंग के लिए, या मतलब डायरेक्टली आपके रैम के अंदर सारा का सारा डाटा स्टोर होगा। अभी सर्वर रिफ्रेश हो रहा है हमारा, और अगर आप यहां पर अब जाओगे टेस्ट सेशंस, तो बेसिकली जो ये सेशन आईडी है अब आपकी वाली और जो डाटा है सारा का सारा वो अब आपका स्टोर हो रहा है डायरेक्टली हमारी इस पीसी की, यानी कि लैपटॉप, मेरे लैपटॉप की रैम पर। इसके कुछ नुकसान है, जो आप लोकल मेमोरी डायरेक्टली यूज कर रहे हो उसके कुछ नुकसान होते हैं, और वो नुकसान ये है कि एक तो ये है कि ये एफिशिएंट नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए आपका सिस्टम बहुत सही रहेगा कि आपको अगर डेवलपमेंट में यूज करनी है ये कैशिंग सिस्टम तो आप ये यूज कर सकते हो, पर ये नाइस नहीं है फॉर फॉर प्रोडक्शन लेवल। क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली जो ये लोकल मेमोरी होती है ये मल्टी प्रोसेस सेफ नहीं होती है, और जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ बताया भी है इन्होंने कि ये क्यों क्यों सही नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी कैश होती है ये यूज करती है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कलिंग स्ट्रेटेजी। अब ये LRU क्या है, अगर आपने अपने कॉलेज के अंदर अगर आपने OS पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि LRU क्या होता है। और ये जब पढ़ते हैं हम LRU, जब वो कैशिंग वगैरह होती है और वो कैसे वहां पे अपने रिकॉर्ड्स को वहां से उठाता है कैश से, तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो OS का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर लिखा है कि वो क्यों एफिशिएंट नहीं है, कि यहाँ पर नो क्रॉस प्रोसेस कैशिंग इज पॉसिबल, दिस ऑल्सो मीन्स द लोकल मेमोरी कैश इज इन पर्टिकुलरली मेमोरी एफिशिएंट, सो इट्स प्रोबेबली नॉट अ गुड चॉइस फॉर प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स, इट्स नाइस फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी हो गया अब हमारा। अब हम करते हैं प्रोसीड टू डमी। अब डमी जो है बेसिकली क्या होता है कि डमी में कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या करता है कि आपका ये एक इंस्टेंस बना देता है, यानी कि ये केवल डेवलपमेंट के लिए है पहली बात तो ये है, और ये केवल क्या करता है कि एक इंस्टेंस बना देता है कैश का, हालांकि वो डाटाबेस में मतलब जो कैश के अंदर डाटा स्टोर नहीं करता है असली में। ठीक है, बस एक इंस्टेंस बना देता है ताकि आपका कोड जो है वो काम करता रहे। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आपका प्रोजेक्ट बन चुका है और उसमें आपने कैशिंग यूज करी है बहुत जगह, और उसमें आपने बहुत जगह कैशिंग ऐड करी हुई है और उसके हिसाब से कोड लिखा हुआ है, और अगर आप चाहते हो उसे टेस्टिंग एनवायरमेंट में टेस्ट करना, या फिर आपको कुछ चेंज करना है उसके अंदर, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, और आप चाहते नहीं हो कि अपने लोकल एनवायरनमेंट पे आप कैशिंग को यूज करो, पर चाहते हो कि आपका फिर भी कोड रन करे, तो आप ये यूज कर सकते हो कैशेस के अंदर डमी कैश। उससे क्या होगा कि आपका ये बेसिक सा इंस्टेंस बना देगा, बस इसके अंदर कुछ स्टोर वगैरह नहीं होगा, बस ये दिखाने के लिए होगा ताकि आपका कोड जो है चलता रहे। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है कस्टम कैश बैकएंड। अब ये बेसिकली आपको तब यूज करना है जब आप रेडिस, रैबिट एमक्यू जैसे चीजें यूज करोगे, तब आप ये चीज यूज करोगे, तब आपको यहाँ पे पाथ मेंशन करना पड़ेगा और स्पेसिफिक सर्वर का यानी कैशिंग सिस्टम का जो कि आप यूज कर रहे हो। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें मैं मेम कैश या फिर रेडिस से किसी चीज से भी इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा, कि आप कैसे कैशिंग ऐड कर सकते हो जेंगो के अंदर। अभी हम उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो की है मल्टीपल कैशेस। अब आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट में मल्टीपल कैशेस सिस्टम भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि डाटाबेस के साथ साथ मेम कैश वाली भी हो, तो आप बेसिकली बहुत सारे इंस्टेंसेस बना सकते हो अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स और पीवाई के अंदर कैशेस के अंदर, तो आप देखो मेंशन करना पड़ेगा कि डिफॉल्ट कौन सी है, और साथ साथ आप और भी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक चीज जेंगो सेशंस के अंदर, लिखी है एक बात कि अगर आप कि इफ यू हैव मल्टीपल कैशेस डिफाइंड इन कैशेस,
जेंगो विल यूज अ डिफॉल्ट कैश, मतलब जेंगो जो है डिफॉल्ट कैश यूज करेगा फॉर स्टोरिंग सेशंस। पर अगर आपको दूसरी कोई कैश यूज करनी है तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि सेट सेशन कैश एलियास टू दैट टू द नेम ऑफ दैट कैश, यानी कि आपको यहाँ पर ये सेशन कैश एलियास मेंशन करना पड़ेगा और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आप कैश का नाम मेंशन करना पड़ेगा जिसके अंदर आप सारा का सारा सेशन डाटा स्टोर करना चाहते हो अगर आप मल्टीपल कैशेस यहाँ पर यूज कर रहे हो। तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है, पूरा पूरा डायग्राम हमने कवर कर लिया है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट करना लाइक बटन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जो भी चैनल पर नया है। मैं ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो जिसके बारे में मतलब लोग बहुत ही कम बताते हैं और इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी जेंगो ने आपके बना रखी है, आप उसे कैसे एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ और हर एक स्टेप को कवर करता हूँ, यानी कि हर एक टेस्ट को कवर करने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और थोड़ा मोटिवेटेड रहूं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आप कमेंट करते हो अच्छा नीचे कमेंट बॉक्स में तो अच्छा लगता है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। और आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, मुझे बेहिचक होकर वहां पे नीचे कमेंट लिखो, मैं आपकी आपका डाउट सॉल्व करने में की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। और जो भी चैनल पर नया है मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए ताकि आपको पास एक इजीली एक ही क्लिक से आप उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएं, ताकि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, बार बार खोजना ना पड़े, आपके पास डायरेक्टली लिंक रहेगा उसका, फिर आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हो और अपने हिसाब से जिस टाइम आपको वीडियोस देखनी है आप देख सकते हो। तो फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।